अच्छा, पकोड़ा बेचना, इसको भी आप रोजगार में काउंट करते हैं कि नहीं? एक युवा क्यों नहीं, सब कुछ रोजगार, सब कुछ रोजगार में बिल्कुल। ऐसे सर्वे निकाल के मजे ले रही है, कहाँ है? अगर रोजगार होता तो फिर इतने सारे युवा क्यों ऐसे ही घूमते रहते हैं? मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं सबसे कम बेरोजगार है। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हाँ। ये देखो, तीन तीन चार चार युवा हमारे सामने ही घूम रहे हैं, अभी बेरोजगार है। हाँ, यहाँ पे युवाओं को बिल्कुल जॉब नहीं मिल रही है। सरकार से बड़े बड़े बातें करती है कि हाँ हम जॉब दिला देंगे, रोजगार है युवाओं के लिए, बहुत रोजगार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, सब फसाना है। सबके पास नौकरी है? नहीं, ऐसे नहीं है, बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं हम, कोई देख लो, मतलब आज बेरोजगारी खेती किसानी, पापा जी जो खेती किसानी उसमें हाथ बटा रहे, दूसरा रोजगार है ही नहीं। नमस्कार, लोकल 18 मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे और इस समय मैं न्यू मार्केट में खड़ा हूं, भोपाल का दिल कहा जाता है। एक सर्वे आया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, भारत सरकार निकालती है, हर साल निकालती है, और इसमें इस बार एक बड़ा अजीब दावा किया गया है। कहा गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम बेरोजगार है, और मध्य प्रदेश बेरोजगारों के मामले में, क्योंकि यहाँ पे एक भी बेरोजगार नहीं है। कितनी हकीकत, कितना फसाना? सीधे हमारे साथ युवा है, क्या नाम लिखते हो भाई? रयान लाला सोयम। यहीं के रहने वाले भोपाली हो जी? कितने कट्टर भोपाली? कट्टर ही भोपाली है, प्योर कट्टर। प्योर कट्टर। चाय पसंद है? नहीं, बिरयानी। बिरयानी पसंद है। अच्छा, राजू टी स्टॉल का नाम सुना है? हाँ। ज्यादा हाइप कर दिए कि सच में अच्छी चाय है? सही में अच्छी चाय है। सही में अच्छी चाय। अच्छा, पीछे से भी बोल रहे हैं सही में अच्छी चाय। सर्वे आया एक, कहा गया पूरे देश में सबसे कम बेरोजगार मध्य प्रदेश में, यहाँ पे तो सबके पास नौकरी है, सबसे ज्यादा यहीं पर ही है। क्या रोजगार की बेरोजगार? तो फिर सरकार ऐसी रिपोर्ट लाके क्या करना क्या चाह रही है? फसाना है भाई, ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड हो गया, हमारे दर्शकों को समझ नहीं आएगा, हमें भी कट करना पड़ेगा ही। अच्छा, फसाना है। फसाना है। तो कितने सालों से यहाँ पे, कितने महीनों से काम कर रहे हो इस दुकान में? दो साल। दो साल से मिल जाती है सैलरी वैलरी टाइम पे? सब टाइम पे। तुम तो फिर मतलब जॉब कर रहे हो? हाँ। फिर सरकार कह रही सबके पास जॉब है, फिर तो सरकार सही कह रही है? सरकार बहुत गलत कह रही है, किसी के पास जॉब नहीं है, हम खुद जॉब करते हैं। अच्छा जी। अरे भैया वीडियो बना रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं भैया? क्या सरकारी सर्वे का रिपोर्ट आया है? जी हाँ। मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं सबसे कम बेरोजगार है। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये देखो, तीन तीन चार चार युवा हमारे सामने ही घूम रहे हैं, अभी बेरोजगार है ये, बार बार हमारे पास आते हैं, बोलते भैया हमें सैलरी भी कम दीजिए, हम काम कर लेंगे, हमें काम पे रख लीजिए। हाँ, यहाँ पे युवाओं को बिल्कुल जॉब नहीं मिल रही है। सरकार से बड़े बड़े बातें करती है कि हाँ हम जॉब दिला देंगे, रोजगार है युवाओं के लिए, बहुत रोजगार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, सब फसाना है। अगर ऐसा होता तो फिर ये क्यों आते रहते लड़के हमारे पास, काम पे रख लो, काम पे रख लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, बिल्कुल बोलते हैं सिर्फ आप बिठा दो, खाने रहने का हमारे लिए खर्चा हो जाएगा, वही हमारे लिए बहुत। अच्छा, ऐसे हालात लगे बने। बहुत लोग तो गांव से आ रहे हैं सोच सोच के कि भोपाल जाएंगे नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी वो सही है, लेकिन इतना भी नहीं है ना, गवर्नमेंट फिर क्या कर रही है आम जनता के लिए? फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है उस हिसाब से, सिर्फ बड़े बड़े दावे कर दिए। सरकार मजे ले रही है ऐसे सर्वे निकाल के? बिल्कुल, ऐसे सर्वे निकाल के मजे ले रही है, कहाँ है? अगर रोजगार होता तो फिर इतने सारे युवा क्यों ऐसे ही घूमते रहते हैं? देखिए, बड़े ध्यान से सुन रहे थे हमारे भाई, क्या नाम लिखते हो भैया? नीलेश चंद्रवाली। यहीं के हैं आप रहने वाले? नहीं, मैं बैरागढ़ का। बैरागढ़ के हैं। सर्वे आ रहा है, कह रहा है मध्य प्रदेश में सबसे कम बेरोजगार है। कम ही है। अच्छा, 1% से कम है? 1% से कम है, मतलब सबके पास मध्य प्रदेश में रोजगार है लगभग? क्या बात कर रहे हैं, कोई ना कोई तो काम है। अच्छा, पकोड़ा बेचना, इसको भी आप रोजगार में काउंट करते हैं कि नहीं? एक युवा क्यों नहीं, सब कुछ रोजगार, सब कुछ रोजगार में, काम कोई भी छोटा नहीं होता, देखिए एक लेवल होता है बस इंसान का। क्या नाम लिखते हैं? राम स्वरूप। कहाँ के हैं रहने वाले? हम नसरुल्लागंज के। नसरुल्लागंज के हैं। एक रिपोर्ट आती है, सरकारी रिपोर्ट है, दावा किया गया कि मध्य प्रदेश में तो ना के बराबर बेरोजगार है, सबके पास नौकरी है। नहीं, ऐसे नहीं है, बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं हम, कोई देख लो, मतलब आज बेरोजगारी खेती किसानी, पापा जी जो खेती किसानी उसमें हाथ बटा रहे, दूसरा रोजगार है ही नहीं, कोई नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है। वैकेंसी भी आ रही है कि वैकेंसी वगैरह कहीं ट्राई कर रहे हैं आप? नहीं है, करके देखे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब सरकारी भर्ती अभी नहीं निकल रही? नहीं निकल रही। और निकलती है तो क्या हो जाता है उसमें? लगते ही नहीं, बहुत भीड़ लग जाती है, एक दो मिलकर लग जाती है बस, और ये। तो ये रिपोर्ट को क्या देखते हैं, हकीकत फसाना? फसाना, झूठ है, झूठ है, फसाना ही है। काम कोई छोटा नहीं होता, बस एक लेवल होता है और उसकी तनख्वाह सैलरी अलग अलग होती है। तो दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष, अब जो भी आप मान ले आपके ऊपर है, आप जो समझना चाहें,
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में कहा गया मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे कम बेरोजगार है, 1% से कम। बड़ा दावा है, कितनी हकीकत कितना फसाना है तो आपको डिसाइड करना है। जो आप हमारे दर्शक हैं, भगवान स्वरूप दर्शक हैं, तो ऐसी और खबरों के लिए, जमीनी हकीकत के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अनुराग के साथ। आप देख रहे थे न्यूज 18 लोकल मध्य प्रदेश।